सो हे गाइज, वेलकम ऑन दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्कैपुला बोन के बारे में। सो गाइज, ये जो बोन होती है स्कैपुला, ये ना ऐसे प्रेजेंट हो, जैसे कि मान लो ये क्या है, जैसे कि मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके समझाती हूँ। जैसे मान लो दिस वन इज अ टेडी बियर, ठीक है। सो जैसे कि मान लो ये आप हो, ये रहा आपका हेड, हेड को हटाओ, ये जो शोल्डर आता है ना, शोल्डर के यहाँ पे, ठीक है, इतने एरिया पे ये प्रेजेंट होती है आपकी स्कैपुला बोन, ठीक है, दोनों साइड में यहाँ पर स्कैपुला बोन प्रेजेंट होती है। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना है स्कैपुला यहाँ पर होता है। स्कैपुला इज अ थिन बोन प्लेस्ड ऑन द पोस्टेरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। द स्कैपुला हैज टू सरफेस, थ्री बॉर्डर, थ्री एंगल एंड थ्री प्रोसेस। आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ सरफेस दो होती हैं और सारी चीज़ें तीन तीन हैं, तीन बॉर्डर है, तीन एंगल है एंड तीन प्रोसेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद इसके दो डायग्राम है, पहले ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर वो वाला, ठीक है। तो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो डायग्राम है थोड़ा सा मैंने गंदा कर दिया, क्योंकि एक वीडियो मैंने और बनाई थी अभी इससे पहले, रिकॉर्ड की थी, और उसमें क्या हो गया था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए फिर मुझे फिर से ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो थोड़ा सा गंदा आपको लग रहा होगा, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगी गाइस। सो ये जो है ना, ये आपको जब 3D में इसको आप देखोगे, तो ये पीछे वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, और ये जो आगे वाला प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कोरोकोइड प्रोसेस, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो इट्स अ कोरोकोइड प्रोसेस। उसके बाद है, ये होती है ग्लीनॉइड कैविटी, जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ना, दिस वन इज अ ग्लीनॉइड कैविटी, और इस ग्लीनॉइड कैविटी के ऊपर एक ट्यूबार्कल होता है, इसको बोलते हैं सुप्रा ग्लीनॉइड ट्यूबार्कल। तो याद रखना है, सुप्रा मतलब कि ऊपर, ग्लीनॉइड ट्यूबार्कल। उसके बाद दिस वन इज अ लेटरल बॉर्डर, लेटरल साइड में है, तो ये क्या हो गया, लेटरल बॉर्डर। ये मैं आपको राइट स्कैपुला का डायग्राम दिखा रही हूँ, तो ये हो गया लेटरल बॉर्डर। दिस वन इज द इन्फीरियर एंगल, जो एंगल नीचे है वो क्या हो गया, इन्फीरियर एंगल। ये है मीडियल बॉर्डर, जो कि मीडियल साइड में है। ये है सब स्कैपुलर फोसा, ठीक है, ये क्या है, सब स्कैपुलर फोसा। ये ध्यान रखना, बहुत सारे फोसा हैं इसमें, कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस वन इज द सब स्कैपुलर फोसा। उसके बाद ये है सुपीरियर एंगल, एंड इसके ऊपर क्या है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। अब इसको छू के देखोगे पता चलेगा कि ये सुपीरियर बॉर्डर है। मैं आपको बताया था इसमें तीन एंगल हैं और तीन ही बॉर्डर हैं, तो एक एंगल हो गया इन्फीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल, ठीक है, और मैंने आपको बताया था बॉर्डर, तो लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड द सुपीरियर बॉर्डर। उसके बाद ही ऊपर आपको दिख रहा होगा फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द क्लाविकल, ये है क्लाविकल के साथ आर्टिकुलेशन के लिए फैसेट बना हुआ है, ठीक है। और ये जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है, इससे जुड़ती है हमारी ह्यूमरस बोन, और यहाँ पर बनता है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। उसके अलावा ये वाला डायग्राम है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी जो है आप सिर्फ आगे वाले साइड को देखो, मतलब कि कॉस्टल सरफेस को देखो। दिस वन इज अ कॉस्टल सरफेस, कॉस्टल सरफेस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये रिब्स की साइड की सरफेस होती है, ठीक है। दिस वन इज अ कॉस्टल सरफेस, और ये है डॉर्सल सरफेस, जो कि मैं आपको कभी और एक्सप्लेन कर दूंगी किसी और वीडियो के अंदर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो भी मेडिकल कॉलेज में है, या जो भी इन सारी बोन्स के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए। एंड गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसे आपको और अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और आप कैसे कैसे पढ़ना चाहते हो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड आई वॉन्ट योर लव एंड सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो मच।